हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्वा घास, जिसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं। रेड ब्लड के बारे में हमने सुना भी है और देखा भी है रेड ब्लड। ये ग्रीन ब्लड क्या होता है? ग्रीन ब्लड इसलिए कहा जाता है कि कोई भी प्लांट के अंदर अगर वो पोटेंशियल है, किसी के अंदर भी, कि जिसको यूज करने से अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ता है, या जिसके यूज करने से हमारा आरबीसी काउंट बढ़ता है, तो मतलब कि जिसको यूज करने से डायरेक्टली हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़े, खून बढ़े, तो उसको हम कह रहे हैं ग्रीन ब्लड। तो दुर्वा घास जो है, मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया है कि जो हम गणपति जी को अर्पित करते हैं, उसको अर्पित करने के बाद हमें उसे बाहर नहीं फेंकना है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें कैसे यूज करना है। आज हम बात करने वाले हैं दुर्वा घास के अंदर कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है कि इसको हम ये ग्रीन ब्लड बोलते हैं। एक तो जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें ये अच्छी तरीके से साबित हो चुका है कि जो दुर्वा घास है उसमें गेहूं से भी ज्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ठीक है। और दुर्वा घास जो है वो एक तरीके से नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का मतलब ये हमारे खून में से जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस है, उसको ये हटाने का काम करता है। तो आधी गंदगी तो वहीं से ही हट रही है और दूसरा की आरबीसी भी बढ़ा रहा है, तो नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर भी है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ा रहा है। इसीलिए जो दुर्वा घास है उसको हम बोलते हैं ग्रीन ब्लड। वैसे भी मैं हमेशा से अपने वीडियो में एक बात बताती हूँ कि जो भी प्लांट जो हम यूज करते हैं अपनी पूजा में, हमारे आध्यात्म में जो भी प्लांट्स को हमने पूजा में स्थान दिया है, उनका बहुत ज्यादा मेडिसिनल रिच होते हैं वो प्लांट्स, इसलिए उनको हमने अपनी पूजा में स्थान दिया है। तो उन्हीं में से ये दुर्वा घास है। दुर्वा घास कहते हैं या दूब घास कहते हैं। इस घास की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमको कहीं पे भी मिल जाएगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी मिल जाएगी, इसको उगाना भी नहीं पड़ता है। और एक बार जैसे हमने इसका कहीं पे भी आ रही और हमने जड़ से भी हटा दिया, तो फिर से ये इजीली वहां पे ग्रो हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।